बरेली में आप जो इज्जत नगर रोड पर जो जाम लगाए, 6 साल की बच्ची के संग में जो ये रेप की पूरी घटना को अंजाम दिया गया, तो उसके बाद लोगों में आक्रोश है। और अब यहाँ पर एसपी सिटी रविंद्र कुमार खुद पहुंच चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम लोग यहाँ पर इज्जत नगर रोड नंबर 1 DRM ऑफिस के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। और उसके बाद अब यहाँ पर एसपी सिटी रविंद्र कुमार पहुंच चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक 6 साल की बच्ची के संग में एक घिनौने कृत्य को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब जाकर ये लोगों को समझाने का प्रयास करते हुए नजर आ रही है पुलिस। बात करने खड़े होकर बात करो, शांति से, लेकिन आराम से, आराम से बात करना, बात करो वो वही चौराहे पे मिली लड़की, तो वो रो रही थी बहुत ज्यादा, वही जस्ट पार्लर है, तो उसने अंदर से देखा ये बच्ची रो रही है, तो उसने बुलाया, उसे बुला के बैठाला बेंच पे, तो वो बेंच पूरी रेड हो गई। चलो ले लियो, फिर उसने उसे निटाला तो भी वो पूरी सन गई, वो बेहोश होने लगी वहाँ पर। फिर वहाँ उसने हमारे पड़ोस में फोन किया कि ये आपके मोहल्ले की बच्ची है, मुझे पहचान में नहीं आ रही, क्योंकि उसके मार इतनी लगी थी कि वो सूज गई बच्ची। तो जब फोन करा तो एक बच्चा हमारे ही मोहल्ले का उसे उठाकर लाया घर तक। मैं एसपी सिटी ही हूँ यहाँ पे, और इज्जत नगर थाना क्षेत्र हमारे अंतर्गत में ही आता है। मैं यहाँ पे आया हूँ और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग अभी दिखवा रहे हैं, और निश्चित तौर पे रात भर लगे, हम लोग रात भर जग के सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। पूरे जितने सीसीटीवी यहाँ पे मौजूद है, नगर निगम के द्वारा भी सीसीटीवी लगाया है, जो पर्सनल जो घरों में दुकानदारों के पास जो सीसीटीवी है, सभी को हम लोग खंगालेंगे। पूरी टीम हमारी लगी हुई है, सीसीटीवी देखा जा रहा है। बच्ची का जो मेडिकल है, वो मेडिकल जो विधिक एक प्रक्रिया होती है, जो मेडिकल उसका जो मामला जो है उसमें एक विधिक प्रक्रिया, मेडिकल एक बहुत अहम हिस्सा होता है, वो मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए हमारी जो महिला SI है उनके साथ में गए हुए, मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है, और हमारी जो अलग टीम है वो सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है। मैं यहाँ पे मौके पे हूँ, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आइडेंटिफाई होगा, तहरीर आप अभी दे दीजिए हमें, अज्ञात में दे दीजिए, FIR तुरंत जो सुसंगत धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और जैसे सीसीटीवी फुटेज में हमें कोई क्लू मिलता है, या बच्ची जब नॉर्मल होती है, अभी तो डरी हुई है, वो किसी चीज को बताने की स्थिति में नहीं है, जैसे नॉर्मल होगी उसे कुछ याद आएगा, जैसे बच्ची बताएगी, जैसे कुछ किसी का नाम बताती है या किसी को कहती है कि मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, तो जैसे या फिर अन्य कोई क्लू हमें मिलता है उसके आधार पर हम इसमें 100%, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता कि 100% बता रहा हूँ कि जैसे क्लू मिलेगा, जैसे आइडेंटिफाई होगा, इस मामले में गिरफ्तारी होकर प्रोसिक्यूट लगेगा, 376 जो भी इसमें सुसंगत धारा है उसमें पकड़ के हम लोग जेल भेजेंगे। उसके अलावा हमें जेल नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कह लेता हूँ, जो अपनी बात कह लेता हूँ, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा, है ना। और उसके बाद में जो कानूनी प्रक्रिया होती है, जो लिखा पढ़ी होती है, जिस तरीके से जिससे मैक्सिमम पनिशमेंट, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट हो, उसके लिए क्या करना होगा, टेक्निकल जो साक्ष्य होते हैं, बाकी जो मेडिकल जो फांसी की सजा चाहिए हमें उसकी, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैक्सिमम पनिशमेंट जो पॉक्सो एक्ट में 376 में जो अधिकतम जो सजा हो सकती है, सजा दिलवाने के लिए लिखा पढ़ी करना, जो टेक्निकल साक्ष्य है, जो फोरेंसिक साक्ष्य है, जो चीजें इकट्ठा करना है, वो हमारा काम है, हम करेंगे उसके हिसाब से। और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगा, वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगा, ताकि जो लोग जो हैं, जो असामाजिक लोग हैं, उनके ऊपर एक मैसेज आए कि इस तरीके का अगर हम कृत्य करेंगे तो हम समाज में रहने लायक नहीं है। जो 99% लोग जो समाज में, अब दो लाइनें मैं बोलना चाहती हूँ,
आप जो भी कर रहे हैं हम उससे संतुष्ट हैं, बट हमें एक टाइम पीरियड, कार्रवाई का टाइमिंग दीजिए हमें। सिर्फ हमें एक टाइम पीरियड चाहिए कि आप इसको कितने टाइम में हल करेंगे। बस आप दो साल में करते हैं, चार साल में हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सब लोग एक बार शांत हो जाए। आपके द्वारा बताया गया 24 घंटे के अंदर में हम लोग इस केस को खोलेंगे और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके जेल भेजेंगे। ठीक है, 24 से 25 घंटा नहीं होना चाहिए। सर मुझे डर है कि ये केस करवाने की कोशिश होगी। मैं यहाँ पे आया हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ, FIR होगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर आएगा उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, जो प्रेशर आएगा उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं FIR लिखवाऊंगा, आइडेंटिफाई करके वो जेल जाएगा। जो जहाँ से प्रेशर आएगा उसी प्रकार का उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। आप निश्चिंत रहें सर, मैं मेरी बात आदमी काम नहीं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग जो है हाईवे कर दीजिए। प्रेशर नहीं है, पर ये है कि हमें न्याय चाहिए। हमारा एक प्राइमरी काम है, हम इसको करेंगे। हमारा प्राइमरी काम दीपा जी सुनिए मेरी बात सुनिए। सर यहाँ पर आए, आपने कहा था कि एक प्रशासन, एक मिनट रुकिए, प्रशासन की ओर से आपको किसी का बात चाहिए। मेरी बात सुनिए, 24 घंटे आपको दिए। मैं भाजपा की तरफ से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, सर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आए हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर और आपकी विजय होगी। चौबीस घंटे के अंदर हम इसको 100% सभी नगरवासियों से अनुरोध करती हूँ, सर ने बोला है 24 घंटे। 24 घंटे से सर 25वां घंटा नहीं होने देंगे। अगर 25वां घंटा होता है तो थाना हम लोगों से दूर नहीं है। इज्जत नगर थाना हमारा अपना घर है। कल से फिर सभी लोग वहाँ जाएंगे और सब थाना हमारा घर है। चलो और सर, थाना जो कैमरे हमारे लगे हुए सर का नंबर ले लीजिए। सर अपना नंबर दे दीजिए। सर नंबर नोट करो। जो कैमरे लगाए गए वो चालू करेंगे। एक मिनट रुक जाइए। सब लोग शांत हो जाइए यहाँ पर।
सब लोग शांत हो जाइए। अरे थोड़ा सबर करो, न्याय मिलेगा। आदरणीय एसपी सिटी साहब यहाँ पर हैं और उनके द्वारा ये आश्वासन सबको दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको न्याय मिलेगा। हो जाएंगे तो इस करके अब हम लोग यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे और हम लोग इस प्रशासन में और इस सरकार में पूर्णतः सुरक्षित हैं और रहेंगे। क्या हिंदुओं को आनंद की बात है, आप अभी मुद्दा यही रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे चलिए। एक और अनुरोध मैं चाहती हूँ, आप मेरे को ये और बताइए 24 घंटे में अगर नहीं होता है तो हम क्या करें? 24 घंटे में हम खोलेंगे इसको, नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर में हम रात भर इसमें लगे रहेंगे, जितनी हमारी टीमें हैं गंगवार जी, छोटी छोटी पार्टियों में आ जाते हो खाना खाने, ऐसे भी आ जाओ। अभी हम वहाँ लगा रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियों में खाना खाने आ जाते हैं, रेप का मैटर है इसमें भी आ जाएं। छोटी छोटी पार्टियों में खाना खाने आते हो आप? अरे भैया चलो यार, 24 घंटे देख लो पुलिस को। अरे एम्बुलेंस भर दिए जाम में, थोड़ा सा हट जाओ उधर, नीचे फंसी हुई है यार। एम्बुलेंस निकलने दो, हेलो एम्बुलेंस निकलने दो। मेरे खुद के भतीजे की, सर गुजारिश है आपसे, इसको आप इसको करवाइए। हमारी सरकार आते ही ये चल गया, 24 घंटे के अंदर आपसे गुजारिश है। चलो एम्बुलेंस है, हटो जगह दो। जनता से निवेदन है, यह रास्ते से हट जाइए, यहाँ पे एम्बुलेंस फंसी हुई है। हम लोगों के द्वारा कुछ भी ऐसा ना हो कि किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया जाए और रोड पे से सभी लोग निकलने का रास्ता दिया जाए। 24 घंटे में कह दिया ना, हटा दो। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसपी सिटी यहाँ पर रविंद्र कुमार मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर लोगों को आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर पुलिस टीमें लगा दी गई हैं और वो जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और उसके बाद ये पूरे जो घटनाक्रम है इसका पर्दाफाश करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर अब जो है जाम की स्थिति खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं आप देख रहे हैं कि अब पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है कि आप लोग घर में जाइए, कानून व्यवस्था में आस्था रखिए और उसके बाद यहाँ पर ये जो पूरा रोड है अब वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ यहाँ पर एम्बुलेंस भी जो है फंस गई थी, उनको यहाँ पर निकालने का जो है काम किया जा रहा है। वहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपने अपने घरों को जाइए और उसके बाद जाकर यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है उसको संभालता हुआ यहाँ पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी तरीके से जो पुलिस टीमें हैं वो यहाँ पर घटना का खुलासा करती हुई नजर आएंगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे जरूर उसको पकड़ा जाए। इसी के साथ दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, यहाँ पर लोगों में काफी आक्रोश है और उसके बाद अब वो उनको जो है समझाया गया और समझाने के बाद अब ये रोड पर यातायात एक बार फिर दोबारा सुचारू हो पाया है। काफी लंबी जद्दोजहद के बाद आपको पूरा मामला बताएं तो 6 साल की बच्ची थी जो कि दोपहर में 3 बजे के समय अपने घर से निकलती है कार्डबोर्ड लेने के लिए, एक पास की स्टेशनरी की दुकान पर वो जाती है, फिर उसके साथ एक घटना को अंजाम दिया जाता है जिसके बाद वो घायल अवस्था में एक मस्जिद के पास जो है मिलती है और जिसके बाद वहां पर मौजूद जो लोग होते हैं, रागीर होते हैं, उसको उठाकर
इत्तला करते हैं घर पर नजदीकी और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनता होती है उसमें काफी आक्रोश देखा गया और उसके बाद वो लोग इकट्ठा होकर ये रोड पर जाम के रूप में नजर आए और आक्रोशित जो जनता थी उसने रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद अब यहाँ पर मौके पर एसपी सिटी रविंद्र सिंह पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी के साथ ही आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लोग आश्वस्त हुए हैं और उन्होंने रोड छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर नहीं होगा तो दोबारा से यहाँ पर जो है किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही कुछ लोगों में जो स्थिति है वो अभी भी आक्रोश की नजर आ रही है कि इस तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाया है और वो अभी भी धरने पर डटे हुए रहना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों के द्वारा यहां पर लोगों को समझाया हुआ जा रहा है कि आप लोग घर को जाइए, पुलिस प्रशासन में कानून व्यवस्था में विश्वास रखिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर कोई आ जाता है।